जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, इसका नाम ही मुख्तसर ख्याल है। मुख्तसर मतलब हम लोग अपनी ज़िंदगी में वो छोटी छोटी चीज़ें, ख्वाहिशें बनाते रहते हैं ना, कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी बीवी, अच्छा नाम, शोहरत, इज्जत, तो कहीं ना कहीं वो छोटा छोटा जाके फिर बड़ा होता है। तो उसी हिसाब से ये पोइट्री की जो किताब है, इसका नाम मुख्तसर ख्याल है, इसमें अंदाज़ शायद छोटे छोटे हैं बट बहुत सारे फीलिंग्स, बहुत लोगों की फीलिंग्स है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरी ही हैं, इसमें कई ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैंने, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनफैक्ट ऐसी हैं जो मैंने दूसरों को देख के, दूसरों को समझ के, दोस्त हो गए, काम करने के लिए हाथ हो गए, उनको देख के समझ के और लिखने की कोशिश की है। खुश हूँ कि फाइनली बुक छप गई, बहुत सालों से लिख रहा हूँ। ऐसा कोई एजेंडा नहीं था कि कभी ना कभी बुक पब्लिश होगी। जो मेरी टीम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि स्पेशली शाजी का इसमें बहुत बड़ा एफर्ट रहा है कि आपकी बुक आए, वो लगी रही बातें करना बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस से, उसको कल्टीवेट करके एक जगह पे लाना वाज अ गुड प्रोसेस, वी इन्जॉयड इट। एंड वही है कि अब आप लोग पढ़िए, बताइए कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली किताब जब भी लिखूँगा, अगर लिख पाया तो उसमें वो सारी चीज़ें को रेक्टिफाई करके फिर लिखेंगे। सर, मैं रिटायर फौजी हूँ। आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी एज कैप्टन। सो उसमें क्या होता है ना, उसमें आप बहुत सारे इमोशन वहाँ देखते हो जहाँ कोई देख नहीं पाता, क्योंकि जब आप वॉर जोन पे होते हो या एक बटालियन के साथ होते हो ना, तो आपके साथ 400-500 लोग जो आप कर रहे हो वो भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता था कि उसका तरीका और मेरे तरीके में या हम लोगों के तरीके में कई दफ़ा फ़र्क आता था। वो फ़र्क क्यों आता था, वो कई लोग अपने घर से बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, कई लोग शायद नाराज़ रहते थे, कभी कोई अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग से नाराज़ होता था। तो बहुत सारे इमोशंस, जब आप रात को बैठते हो ना खाना खाने, फौजियों का एक होता है कि एक लंबी सी टेबल लगती है जहाँ 150 लोग एक साथ बैठ के वही रोटी दाल और सब्ज़ी खा रहे हैं, उस वक्त बहुत सारे आप इमोशंस देखते हो कि किसी को खाना पसंद नहीं आ रहा है लेकिन खा रहा है। उसकी ज़िम्मेदारी वो खाना नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी उसकी फैमिली नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी उस वक्त वो नेशन है। तो ये एक अलग फीलिंग होती है, जो एक मेरी शेर में लिखा भी हुआ है कि मैं शायद अभी भूल रहा हूँ कि अभी बीच में आपने जब देखा था पुलवामा वगैरह में अटैक हुए थे, तो बहुत सारे हमारे फौजी भाई उसमें शहीद हुए थे, तो उस पर लिखा था कि सरकार को या लोगों को लगता है कि किसी की बस नौकरी चली गई, क्या नौकरी दे दी जाएगी। तो उसको मैंने गज़ल में लिखा था कि तुमको लगता है कि ये एक शहादत हुई है, एक इंसान मर गया है, लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि यहाँ पे किसी के परिवार की रोटी चली गई है। तो ऐसे जज्बात भी हैं। फिर उसमें बहुत सारे फिल्मी तरीके की भी चीज़ें हैं, जैसे मेरे फेवरेट सिंगर हैं रफ़ी साहब, मैंने उनके ऊपर एक गज़ल लिखी हुई है। बहुत बहुत अलग अलग इमोशंस हैं, मैं हर जगह जहाँ जहाँ से सीख सकता हूँ सीख के लिखने की कोशिश करिए। तो ये अमलगमेशन है सर, यस यस एब्सोल्युटली, मतलब आप हंसेंगे भी, आप रोएंगे भी, गुस्सा भी आएगा, क्योंकि मैं तंज ज़्यादा लिखता हूँ। जैसे अभी आकांक्षा ने शुरुआत में बताया था कि मेरा एक शेर था कि तुम्हारे दो शब्दों के बीच का मौन हूँ मैं, दोबारा मत पूछना कौन हूँ मैं, तो एक तंज है, अकड़ है, वो फौजी हूँ है, पठान हूँ है, लेकिन हाँ वो हर जगह ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको दिखाता फिर हूँ, जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो नहीं हुआ रियल लाइफ में, जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं पे, वरना मैं कोशिश करता हूँ ऐसे दोस्तों से सीखने की कि कितना ज़्यादा झुक के रहा जाए तो सब कुछ आराम से इत्मीनान से चल जाएगा। जी राशिद को, जी एक बात है, जब हम पहले मुलाकात की थी, मतलब वो जूम से मुलाकात हुई, आपको याद है, मतलब एक आर्मी के साथ मैं बात कर रहा था तो मैं इतना, ये इसका जो इमोशनल पार्ट है वो तो मैंने देखा नहीं। जो जब हम उससे बाद ज़्यादा मुलाकात की, तो फनी पार्ट मेरे लिए ये था कि ये आर्मी में था बंदा और इतना स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हैं, फिर भी बहुत ही इमोशनल है। और एक चीज़ जो हम देख सकते जब आपके ऑफिस में आते हैं, देखते हैं हम कि कितने लोग को आप हेल्प कर रहे हो, कोशिश बहुत कोशिश कर रहे हो, मतलब इसीलिए भाई देखो, मेरे बाएं साइड में जो बैठा है ना, वो एक बहुत कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर है,
तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर जिसकी वो छाप इस इंडस्ट्री में बहुत बहुत स्ट्रांग है, अगर वो इंसान पोइट्री सुनने आया है तो कुछ ना कुछ तो होगा। और आप हर चीज़ को कमर्शियली नहीं आँक सकते। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत बड़े शायर गुजरे हैं जॉन एलियट साहब, वो कमर्शियली कभी सक्सेसफुल हुए ही नहीं। कोई भी शायर इनफैक्ट आज तक कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो चाहे गालिब थे, चाहे मीर साहब थे, चाहे आप जॉन एलिया कह लीजिए, वो अपना उनका वो फ़न था वो लिखते थे, उनको कहना था वो कह गए। उनके जाने के 50-100 साल बाद एक बहुत अच्छे रैपर हैं और राइटर हैं रफ्तार, उन्होंने जॉन एलिया साहब के बारे में जब फिल्म बन रही थी उस पर लिखा, उसमें एक लाइन थी कि मैंने तुमको सुना है, नहीं मंटो साहब के बारे में इनफैक्ट लिखा था कि मैंने बरसों सुना है तुमको मंटो, मैं अब तो बनना चाहूँ तुम सा। तब वो एक अलग दायरा है। तो ये कमर्शियली तो कहीं भी नहीं जाती भाई, ये कमर्शियली शायर नहीं होते। सर देखिए, ना तो ये कमर्शियल एक्टर है मेरे लिए, ये मेरा दोस्त है। अगर मैं एक्टर को बुलाता तो शायद एटलीस्ट 30 तारीख को तो वो नहीं आता, आई एम 100% श्योर बिकॉज मैं इस फिटोनिटी में हूँ, वो 30 तारीख को नहीं आता अगर वो एक्टर होता तो। आई एम श्योर वो अपने क्राफ्ट के लिए बहुत अमेजिंग है, लेकिन वो यहाँ पे जिस वजह से है वो दोस्त की वजह से है। और जिनका रेफरेंस सर आपने दिया है ना, वो पहले शायर, वो इतने बड़े शायर के बेटे हैं जावेद साहब, फिर उन्होंने कई बरसों तक पहले फिल्में लिखी फिर वो गाने में। अगर आप सोचो कि अगर वही चीज़ होता तो सलीम साहब भी शायद गाने लिख देते, उन्होंने नहीं चूज़ किया। तो शायरी शौक है, शायरी बिजनेस या प्रोफेशन नहीं हो सकता सर। सर ये तो देखिए वो इंसान पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ इंसान को कब भा जाए, वो फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट ये होता है कि मैं भले इम्प्लीमेंट करूं या ना करूं उस शायरी को, उस शेर को, उस गज़ल को, क्या मैं उस फीलिंग को समझ पा रहा हूं। वो जो इंसान फीलिंग समझ लेगा ना, मेरे हिसाब से वही वो क्रक्स जिसको कहते हैं ना, एक उसके किसी चीज़ की अगर व्याख्या करनी हो तो उसका सारांश पढ़ लीजिए, तो सारांश अगर इंसान को समझ में आ जाए पोइट्री का, वही इनफ है सर। उससे ज़्यादा वो कितना अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करे ना करे। जी सर, सर मेरी गज़ल तो मुझे पता नहीं था कि मैं गज़ल लिखता हूँ, वो तो शाजी की मेहरबानी है कि शाजी ने उसको कंपोज़ किया, उसको गाया। मुझे नहीं लगता था कि मैं लिख पाता हूँ ढंग का, वो मैं बहुत ओपनली और बहुत ओपन फोरम में कह रहा हूँ, वो शाजी की बदौलत मुझे समझ में आया कि वो गज़ल है। मैं अपनी फीलिंग लिखता हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है कि ना मैं चोटी बनाता हूँ ना कंघी बनाता हूँ, मैं आप बीती को जगबीती बनाता हूँ। तो मैंने वो जगबीती लिखी थी, उसने उसको गज़ल में ढाल दिया, उसने एक एक कॉम्पोजिशन बना दी उसकी, तो वो तो उसकी काबिलियत, मेरी कुछ नहीं है सर। आगे आने वाले दिनों में मतलब गाने या गाने भाई मैं लिखूंगा, बाकी का काम शाजी को मालूम है कि वो गज़ल बनेंगे कि गाने बनेंगे या स्क्रैप होंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है सिर्फ लिखना। मैं लिख देता हूँ शायद टूटा फूटा, फिर शाजी उसको तराशती है, उसको मीटर पे बैठाती है, उसकी कॉम्पोजिशन बनाती है, क्योंकि वो आसान काम नहीं। मुझे अपने गज़ल को अपने शेर को काफी में तो ले आता हूँ, लेकिन उसको प्रॉपर मीटर में लाने का बहुत बहुत डिफिकल्ट काम है, मेरे बस की नहीं। तो मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा गाना गज़ल बनेगा। शाजी से पूछ रहे हैं, शाजी प्लान क्या है? जहाँ तक बात है तो वो करने की ज़रूरत नहीं, आपने सुना ही, सबने सुना कि किस तरीके का वो लिखते हैं, तो उसमें कुछ भी हेर फेर करने की कोई कहीं से कहीं तक कुछ ज़रूरत नहीं होती है। ये ज़रूर है एक बात जो सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि इनके लिखने की वजह से कंपोजिशन और म्यूज़िक, एक्चुअली म्यूज़िक क्या होता है वो ये भी मानेंगे कि मैं जैसे आई थी मुंबई और अब जिस जगह पे मैं आ गई हूँ म्यूज़िक के लिहाज से और हर लिहाज से, मैं तो कहूँगी बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट उनकी वजह से मुझे हुआ है। कुछ उनसे सीख गई हूँ और उनको वो चीज़ें पसंद हैं इसलिए वो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, वरना मैं जितनी भी, अगर मैं एक कंपोजिशन बना रही हूँ, अगर मैं उनकी कंपनी में जब से काम कर रही हूँ, मैं कोई गाना भी अगर किसी की कंपोजिशन गा भी रही हूँ, तो जितना भी इम्प्रूवमेंट मुझ में आया है और हर दिन वो चीज़ मुझे रियलाइज़ होती है, हर
एंड ऑफ द डे मैं एक चीज़ हमेशा रियलाइज करती हूँ कि आई एम वेरी 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 मच थैंकफुल कि मुझे ऐसा इंसान मिला लाइफ में कि इतनी अच्छी इंस्पिरेशन बन सके कि मेरी कुछ चीज़ें उनको पसंद आ रही है, मेरी बहुत बहुत बड़ी खुशनसीबी है। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया आ गया तो बट जहाँ पर जो हम लैंग्वेज की बात करते हैं या उर्दू आना या जो मतलब जो होता है हर एक मतलब इसका जो लोगों को कभी कभी आप भी देख रहे हैं कि वर्ड्स को किस तरह से खोलते हैं क्या हम इम्पोर्टेंट जान रहे हैं या फिर वो बहुत सारे लोग आ गए मतलब वो चीज कभी कभी दुख भी करता है कि क्या कर दिए लोगों ने। सर मेरा तो सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन ही मेरे लिए सोशल मीडिया है। तो किसी एक बहुत बड़े शायर ने एक दफ़े कहा था कि अगर लोग तुमसे बहुत ज़्यादा चिपकने लगें या लोग बहुत ज़्यादा लोग तुम्हारे पास आने लगें इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा सस्ते हो कि हर कोई अफोर्ड कर रहा है। तो वही हाल सोशल मीडिया की वजह से है कि हर कोई उस पर है, मैं भी हूँ, मैं अपने आप को भी उसमें काउंट कर रहा हूँ, बट आप उसको किस लिहाज से कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंजम्पशन आपकी क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। और सर जहाँ तक बात तलफ़ुज़ की है, मेरी खुद की ठीक हो जाए, मैं दूसरों को कहूँ मेरी खुद की ठीक नहीं है, मैं तो सीख रहा हूँ अभी, जिस दिन मेरी शायद ठीक हो जाएगी शायद कभी तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बोल दूँ, वरना अभी उतनी सर वही कहते हैं आप बुरा मत मानिएगा आप सारे दोस्त भाइयों के लिए, लेकिन प्लीज़ डोंट गेट इट ऑफेंडेड, वही कहते हैं कि अंधों में काणे राजा, तो हम काणे राजा हो गए क्योंकि आपने मुझे सुन लिया, मुझसे बहुत बेहतर बेहतर शायर बहुत अच्छे बोलने वाले लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है शायद उनको अल्लाह ने उतनी फैसिलिटी शायद नहीं दी है कि वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, अल्लाह का एहसान है कि मुझे उतनी मिल गई मैं यहाँ तक आ गया, उतना ही फ़र्क है बड़े भाई, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो आई एम स्टैंडिंग एनीवेयर इन द लाइंस। अब रिकमेंड नहीं मतलब रेट नहीं करूँगा, रिकमेंड तो करूँगा ऑफकोर्स, अब मैं कौन हूँ कि किसी को रेट करूँ और राशिद को भी मतलब, बट क्या है कि हम काफ़ी इवेंट्स के लिए आए थे आपके पास, एक वजह यह था कि इनका शायरी सुनने के लिए और अभी अच्छे हो गया, हमारे काम भी आसान हो गया, तो अब किताब है अपने पास तो मुलाकात फिर भी होगी मतलब होगी पर इसीलिए तो हमें तो अच्छा ही लगता था। एंड तो मुझे शायरी भी बहुत अच्छा लगता, मैं भी लिखता हूँ बट आपके जैसे नहीं, अरे बस फिर भी दैट्स आई ऑलवेज लाइक्ड हिज स्पोर्ट। चलिए वो याद है मुझे, अच्छा मेरी प्रॉब्लम है मुझे मेरी शायरी याद नहीं रहती, तो मेरी शायरियाँ मुझसे ज़्यादा इसे याद हैं क्योंकि वो लिखती रहती है उसको फॉर्मेशन लग रहा है, तो मेरा एक बहुत बहुत फेवरेट है मेरा पर्सनली, दोस्त सुनाता हूँ, दूसरी वाली आप कहीं चेप सकते हैं क्योंकि लोगों ने पहले चेपा हुआ है, तो पहली वाली शेर है कि समंदर जब भी किसी की कहानी कहे है नए मौसमों की जुबानी कहे है, समंदर जब भी कहानी कहे है नए मौसमों की कहानी कहे है, आ चल तुझे ज़रा सा मीठा बना दूँ, आ चल तुझे ज़रा सा मीठा बना दूँ, समंदर से दरिया का पानी कहे है। और दूसरा वाला कौन सा था, हाँ दूसरा वाला ये था, ये बहुत बहुत टाइम बाद लिखा था कि हाँ कि तेरे घर से दूर नहीं मेरा घर, तेरे घर से दूर नहीं मेरा घर, बट बस रास्ते में एक जमाना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।